हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी अच्छे से होंगे। मेरा नाम है सोनम और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा न्यू लुक। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करती हूँ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना मेकअप आईब्रो से स्टार्ट कर रही हूँ। इसके लिए मैं मेबलिन का टैटू स्टूडियो ब्रो पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसके थ्रू मैं अपने आईब्रो को सेट कर लूँगी। इसके बाद अपनी आईज़ को कंसील करने के लिए मैंने एले गर्ल प्रो कंसीलर का यूज़ किया है। ये एक HD हाई डेफिनेशन कंसीलर है और इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। यदि आप किसी एक अच्छे कंसीलर को सर्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस कंसीलर को ले सकते हैं। इसके बाद मैंने एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से कंसीलर को ब्लेंड कर लिया है और आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे टेप का यूज़ कर रही हूँ। तो यदि आप भी टेप का यूज़ करते हैं तो आपका आई मेकअप काफ़ी अच्छे से होगा और जो कलर है वो बाहर नहीं फैलेगा। तो आप भी इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे कलर बोर्ड का आई शेडो पैलेट का यूज़ कर रही हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा आई शेडो पैलेट है। इसमें टोटल 60 कलर हैं और यदि आप ये वाला आई शेडो पैलेट लेते हैं तो इसके बाद आपको मुझे नहीं लगता कि कोई और आई शेडो पैलेट लेने की ज़रूरत है। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका रिव्यू अलग से करूँ तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लाइट ऑरेंज शेड लिया है और इसको मैं अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड लिया है और इसको मैं अपनी आईज़ के अपर लिड पर अप्लाई करूँगी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं डार्क ब्राउन कलर को अपनी आई लिड पर लगा रही हूँ। इसके बाद मैंने एक फ्लफी ब्रश लिया है और उसकी हेल्प से मैं इन दोनों कलर को अच्छे से ब्लेंड करूँगी। जब भी आप कोई भी आई मेकअप करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से उन कलर्स को ब्लेंड करना है। यदि आप ब्लेंड नहीं करेंगे तो आपका आई मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा। इसके बाद मैंने एक थिन ब्रश का यूज़ किया है तो इसके थ्रू मैं अपनी लिड के मिडिल में कंसीलर को लगाऊंगी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद मैंने लिड के मिडिल में कंसीलर के ऊपर येलो कलर का यूज़ किया है। देन आई एम यूजिंग अगेन फ्लफी ब्रश और इसकी हेल्प से मैंने सारी कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। ओके, तो इसके बाद मैंने हल्का सा ये रोज़ गोल्ड सिमरी यूज़ किया है। यदि आपको पसंद नहीं है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बट गरवा का लुक है तो मुझे लगा अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने ये हल्का सा सिमरी यूज़ किया है। काजल के लिए मैं यहाँ पे रिमल का काजल यूज़ कर रही हूँ। तो काजल को आपको अपनी आँखों के लोअर लैस लाइन पे और अपर लैस लाइन पे, दोनों लैस लाइन पे लगाना है, जिससे कि आपकी आईज अच्छी बड़ी दिखेंगी। इसके बाद मैंने अपने टेप को यहाँ पे रिमूव कर दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे किस ब्यूटी के लेसेस यूज़ किए हैं। यदि आप लेसेस को नहीं लगाना चाहते तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, इससे आपका लुक थोड़ा और सिंपल और क्विक हो जाएगा। इसके बाद मैंने एल्फ का आईलाइनर यूज़ किया है। इसके थ्रू मैं एक विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। यहाँ पर हमारा आई मेकअप कंप्लीट होता है। इसके बाद मैंने सेम कंसीलर को अंडर आई के लिए यूज़ किया है और एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे लोरियल पेरिस का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और सेम ब्रांड का लोरियल का मैंने ट्रू मैच नेचुरल ग्लो इन्हेंसर इसमें थोड़ा सा ऐड किया है, जिससे कि हमारा फेस थोड़ा सा शाइनी और नेचुरल ग्लो दिखेगा।
फाउंडेशन लगाते टाइम आपको ये याद रखना है कि जिस एरिया पे आपने कंसीलर लगाया है वहाँ पे आपको फाउंडेशन यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपके फेस पे बहुत ज़्यादा लेयर दिखेगी और आपका फेस का मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद मैंने मेबलिन का लूज़ पाउडर यूज़ किया है। इसके बाद मैंने कवर गर्ल का ब्लश यूज़ किया है। फेस को कंटूर करने के लिए मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का कंटूर स्टिक यूज़ किया है। इस स्टिक से आपको अपने फेस पर सी बनाना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। कंटूर करने से आपका फेस थोड़ा और स्लिम दिखता है, तो इसलिए आप इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। जो आपने चीक्स पे कंटूर किया है इसको आपको अपर साइड पे ब्लेंड करना है, और जो आपने जॉ लाइन की साइड पे कंटूर किया है इसको आपको लोअर साइड पे ब्लेंड करना है। हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे बैटन वाइल का हाइलाइटर यूज़ किया है, तो एक फैन ब्रश की हेल्प से मैं अपने फेस के हाइलाइट पॉइंट पर इसको अप्लाई करूँगी। नोज के ब्रिज पर, चीक बोन्स पर और फॉरहेड पर आपको इसको अप्लाई करना है। इसके बाद मैंने सेम आई शेडो पैलेट में से थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर लिया है और इसको अपने आईज़ के लोअर लेस लाइन पर लगाया है, जिससे कि हमारा आई मेकअप थोड़ा सा और इन्हेंस दिखे। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पर मेबलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैंने अपने काजल को थोड़ा सा डार्क किया है। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे मेबली न्यूयॉर्क का सुपर स्टे मैट इंक यूज किया है, ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ माई फाइनल लुक। आपको ये लुक कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये लुक मैंने स्पेशली गरबा के लिए क्रिएट किया है। इस लुक के लिए मैंने ऑरेंज और येलो आई शेडो का यूज़ किया है, उसके ऊपर हल्का सा ग्लिटरी रखा है और न्यूड लिप्स रखे हैं, तो ये वाला मेकअप रात के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ऑसम दिखने वाला है। ओके, सो दिस इज़ माई फर्स्ट लुक फॉर नवरात्रि मेकअप लुक सीरीज। ऐसे ही कुछ और लुक मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ, जो कि होप सो वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।